महाछय पर्व मेले में सीओ सिटी और एसडीएम सदर ने पहुंचकर मेले की व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के सिधारी घाट पर प्रत्येक वर्ष की तरह लगने वाले महाछय पर्व मेले में सीओ सिटी और एसडीएम सदर ने पहुंचकर मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद आजमगढ़ के सिधारी घाट पर महाछय पर्व मेले का आयोजन किया गया है। मेला स्थल पर पहुंचकर सीओ सिटी और एसडीएम सदर ने मेले की व्यवस्था का जायजा लिया और सभी को महापर्व की बधाई दी व शहर के हर घाट पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया तथा साथ साथ कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए आए हुए तमाम ही लोगों से उन्होंने मास्क लगाने का भी निवेदन किया। गौरतलब हो कि सभी घाटों पर सादी वर्दी में महिला पुलिस व पुरुष पुलिसकर्मी लोगों को सुरक्षित माहौल का एहसास कराते रहे। रिपोर्ट PTNI न्यूज, आलोक कुमार, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे होंगे कि नौ आदि के माध्यम से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हमारी फोर्स लगी है, साथ ही महिला पुलिस शादी और दोनों में लगी हुई है। किसी के साथ कोई भी अपद व्यवहार नहीं किया, माता बहन या पूजा करने आती है उनकी रूट व्यवस्था के लिए आयोजन किया गया है ताकि किसी को आने जाने में कोई असुविधा न होने पाए। साथ ही साथ जहाँ भी आप देख रहे हैं कि पानी के आगे गुब्बारे लगा करके एक निशान बनाए गए हैं जिससे गहरे पानी में कोई जाने ना पाए और विशेष करके लगातार हर आधे घंटे पर अनाउंस किया जा रहा है कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। लगातार यहाँ के वॉलंटियर सभासद महोदय आदि के माध्यम से यहाँ के वॉलंटियर्स की काफ़ी बड़ी संख्या मौजूद है जो कि व्यवस्था में पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। पानी में ना जाएंगे, जिस ठंड में अगर जाएंगे तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सभासद हैं यहाँ के उनके द्वारा बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है और ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है कि लोगों को साफ सफाई नहीं मिले या गंदगी ऐसा हो, ये सभी ठीक है। नाव लगातार भ्रमणशील है नदी में, यदि कोई ऐसी अपनी घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल उस पर एक्शन कर सकते हैं और वॉलंटियर नदी का अधिक संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं, उनसे पहचाने जा सकते हैं। नाव नदी की शर्त उन्होंने पहनी है, पुलिस क्षेत्र का टैग उन्हें दिया गया है, वो सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, प्रशासन का और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है एकदम शांति से त्यौहार जो है संपन्न कर दिया है।